हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय थर्ड व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज थोड़ा लेट उठी इसलिए मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई, इसलिए सोचा कि थोड़े छोटे मोटे काम है वो निपटा लेते हैं। तो आज मैंने माली भाई को घर पे बुलाया क्योंकि स्प्रिंग सीजन में इतने सुंदर फ्लावर्स हर जगह दिख रहे हैं, मैंने सोचा कुछ घर पर भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी माली भैया से मिल सारे काम खत्म हो गए, मैं भी फ्री हुई। आई थिंक इतना बिजी रही कि ब्रेकफास्ट नहीं किया और इसलिए इतनी भूख लग रही है। तो आज खाने में बना है मूंग दाल, पे तो हमें शोरूम में जब हम गए वहाँ पे तो जिमनी डिस्प्ले में नहीं थी। तो वी डिसाइडेड कि सेक्टर 14 जो गुड़गांव में है वहाँ पे जिमनी डिस्प्ले में थी। तो यहाँ से हम फाइनली चले गए सेक्टर 14। अगर शोरूम मिले ना मिले, बट हमें ऐसे लग रहा है कि आज हम ना पानी में से जाएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट सड़क दिखने से रही अभी। हे भगवान, मतलब हालत देखो, पूरी की पूरी स्कूटीज पानी में आ चुकी है। ऐसे लग रहा है कि हम बोट में जा रहे हैं, पानी अंदर आ जाएगा। ऐसे लग रहा है कि हम बोट में जा रहे हैं। हम आ तो गए लेकिन डर भी लग रहा है मुझे, यहाँ पे गाड़ी ना बंद हो जाए। थोड़ी देर कर ले भाई, ये पानी एक नदी की, ये वाटर क्रॉसिंग बन गई पीछे। आज हम बता रहे दो सेकेंड वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं, फिर जाके हम बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नेक्सा के शोरूम के पास। फाइनली जिम नहीं दिख जाए हमें, बस मुझे तो गाड़ी काफी अच्छी लगी, डिसेंट लगी है, मतलब मेरी तरफ से अच्छी है, मतलब व्यूज आएंगे इसके। तो अभी कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाती हूँ इसके, सिनेमैटिक तो नहीं बट शॉर्ट्स ऑफ नेक्सा में भी शेयर करूँ।
मेरे पास आई थिंक अनार पड़ा हुआ था, अंगूर थे, नट्स थे, मैंने वो सब डाल दिए। बट अगर आपके पास और भी फ्रूट्स हैं आप उसको और भी ऐड कर सकते हो। सबसे आई थिंक ईजिएस्ट डिनर और सबसे हेल्दी डिनर ऑप्शन है आपके पास अगर आपको कोशिश करनी है वेट लॉस करने की तो। बट क्या करिए अब, ये एयर फ्रायर में बने हैं तो आई थिंक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि पालक भी रिच है न्यूट्रिएंट्स में और बेसन भी। तो अब क्या करेंगे, दीदी ने इसको एयर फ्रायर में करके रखा था, अब इसको कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए हल्की हल्की मेरे पास चटनी है इमली वाली, थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रेड कर देंगे और बस थोड़ी थोड़ी सेव, बहुत ज़्यादा सेव नहीं डालनी, बस हल्की सेव भी डाल देंगे और बन जाएंगे हमारे टेस्टी से पकौड़े। आप चाहो तो उसमें थोड़े थोड़े से अनियंस भी ऐड कर सकते हो और आपका बहुत ही हेल्दी और एक अच्छा सा एक स्नैक रेडी हो जाएगा, जब भी मन कर आप इसको खा सकते हो। आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।